अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद फहद है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया एआई टूल। तो आज का एआई टूल्स में हम देखेंगे कि एक पीडीएफ को हम देखेंगे किस तरह से उसके अंदर से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को फाइंड करवा सकते हैं, ये कि जो कि एआई टूल्स के थ्रू हम करवाएंगे। तो यहाँ पर अपने गूगल क्रोम पर आएंगे और यहाँ पर हम सिंपली सर्च करेंगे chatdocs.com। तो हम chatdocs.com लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्स्ट पेज पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी जो कि एआई की है। तो यहाँ पर हम अपना लॉग इन करेंगे, अपने यहाँ पर हम अपने एक फाइल को अपलोड करेंगे जो कि पीडीएफ की और डॉक्स की यानी एक्सटेंशन। तो यहाँ पर हमने एक फाइल अपलोड की, तो ये फ्यू मिनट में अपलोड हो जाएगी, थोड़ा वेट करते हैं। देखें, ये अपलोड हो गई है और यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाय व्हाट वर्ड यू लाइक टू लर्न अबाउट योर डॉक्यूमेंट। तो क्या आप इसके अंदर से रीड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो मैं इसको बोलूँगा प्लीज प्रोवाइड मी इम्पोर्टेंट नोट, नहीं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो, मैं इसको पूरा रीड करना नहीं चाहता हूँ। तो मैं इसको लिख दिया मैंने, प्लीज प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन दिस लेक्चर। तो मैंने इसे एक किया और उसने मुझे इसमें से रीड करी और उसने मुझे इंफॉर्मेशन दे दी कि इसके अंदर मेरी क्या इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। तो देख सकते हैं मुझे इसको पूरा रीड करना नहीं पड़ी, पूरी रीड करता और काफी टाइम लेता मुझे और मुझे समझना पड़ता। तो इसने रीड करी और उसने इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है इसमें से मुझे दे दी कि इसने यहाँ पर बता दी कि आपकी माई स्कूल की फाइल है उसके अंदर ये चीज है आपकी मेंशन है। तो आप कोई सी भी पीडीएफ को अपलोड करें या एनीथिंग से डॉक्यूमेंटेशन जैसे पीडीएफ हो गई, डॉक्स डॉक्स एक्सटेंशन हो गई, या पीएनजी भी ये सपोर्ट करता है, पीएनजी भी आप इसके अंदर डाल के इसके अंदर से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो इसको जरूर ट्राई करें। और आज की वीडियो हमारी इतनी है और अगली वीडियो में मुलाकात होती है।